का रेंट है, दूसरा स्टाफ को भी तो हम लोग सैलरी देना है, ऐसे हम लोग कैसे बैठे, ये तो गलत है। You're watching Space Media and today we are reporting to you from Zero Point here in Itanagar where a building has been sealed off by the Itanagar police. Let me remind our viewers, this building behind me is the exact building where an incident occurred on 25th of July, where third floor of this exact building, the wall of the building was collapsed and unfortunately a very young boy in his 20s lost a life, and six of the two-wheeler vehicles also got destroyed in this incident. The building was sealed after the investigation officer of this particular case issued a report to the Deputy Commissioner Talapattum. They wanted to inspect the structure of the building since it may possess danger to the passerby nearby. And after that, DC Talapattum had issued an order to seal off the entire building. And we tried speaking to the authorities and they have said that a special inspection committee will be formed here to inspect the entire building, the structure of the building, if it actually poses threats to the passerby, since this is a commercial area. EAC has informed us a total of 10 shops was closed, so the shopkeepers were quite disheartened and anxious to how will they continue their daily business, since it is the only way they earn their living through this market only. My name is Pangyo Dolo. I am relatives of this building owners. तो ये आज का जो घटना है, बहुत हम लोगों ने very unfortunate. कोई मैंने सिविले सोसाइटी में हम लोग कोई एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. जो ये घटना को सब चिंता है, सबको दर्द है. हम लोगों ने we were very much concerned about this accident. हम लोगों ने काफ़ी बार हम लोग डिस्कस किया है, जो एक्यूज का पर्सन का साथ में, उसका रिलेटिव्स का साथ में काफ़ी बार हम लोगों ने बात किया है. तो पुलिस में ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया में ऑन रिकॉर्ड है, एक्यूज ने कुछ क्लेम किया है, ये बिल्डिंग ओनर ने कुछ गलत नहीं किया है. बिल्डिंग ओनर जब का पास में एग्रीमेंट है उसका जो एक्यूज का साथ में है, लीज ले चुका है उसने, बिल्डिंग को खुद से वो डेवलप किया है, बिल्डिंग ओनर को कुछ पता नहीं है. तो वो अपना मर्जी से घर को डेवलप किया है, ये वो किया है, अपना डिजाइन इस तरह से डिजाइन किया है जो अपना इच्छा से. तो उसका बाद में हम लोगों ने बात किया है एक्यूज पर्सन को, उसका रिलेटिव्स को, आप लोगों का तरफ से बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए दिस, जो विक्टिम फैमिली का साथ में आप लोग इमीडिएटली हम लोग बोला है आप लोग डिस्कस करो, ताकि विक्टिम फैमिली बार बार पुलिस में आके स्टेटमेंट दे रहा है, बिल्डिंग ओनर को एक्यूज कर रहा है. हम लोगों ने बोला है आपका अब पहले जो पुलिस में इनिशियल स्टेज में आपने जो स्टेटमेंट दिया था, अब स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है कि नहीं है हम लोगों ने पूछा है. वो एकदम 100% वो जो एक्सेप्ट किया है, जैसे स्टेटमेंट शुरू में जैसे दिया है वैसे रखा है. तो हम लोगों ने बोला है तब तो एक विक्टिम फैमिली जो क्यों बार बार आके बिल्डिंग ओनर को बार बार एक्यूज कर रहा है, उसका ऊपर में ब्लेम कर रहा है. तो हम लोगों ने बोला है काइंडली आप लोगों का तरफ से विक्टिम फैमिली को भी बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बेकार में किसी का जान गंवाया है. तो हम लोगों ने बोला है आपका तरफ से इमीडिएटली जो लीगल प्रोसीजर जो चलता रहेगा, जो लोकली आपका तरफ से इमीडिएटली मीडिएट एक टीम बना के विक्टिम फैमिली को मिलने के लिए हम लोगों ने बोला है. हम लोगों ने 4-5 बार हम लोगों ने बात किया उन लोगों को. तो उसका बाद में हम लोग अभी जो जिसको मीडिया था उन लोगों ने लगाया था, जो विक्टिम फैमिली ने जो एक्यूज ने लगाया था वो उनको हम लोग जिसका अभी पूछा है. तो उन लोगों का कहना है जो मीडिया था लोग उन लोगों को मैसेज कन्वे किया है, बोला है तो कोई केयरलेस नहीं है, जो एक्यूज है उसका तरफ से मीडिया तो जा चुका है. तो जाने का बाद में भी जानते हुए भी बिल्डिंग ओनर को नहीं छोड़ना, बिल्डिंग ओनर को बार बार ब्लेम करना, इसी तरह का सील कराना, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा. कोई बिल्डिंग ओनर जो भी हो, कैपिटल में दुनिया का बिल्डिंग ओनर्स है, अगर कार को किसी का सर में ऐसे घटना होने से भी कोई भी आदमी उसको एक्सेप्ट नहीं करे, ये बहुत वेरी मच अनफॉर्चुनेट, बहुत अच्छा नहीं किया है विक्टिम फैमिली ने, बहुत अच्छा नहीं किया है, ये जो अनएक्सेप्टेबल है. यस यस मैम, हाँ मैंने पहले बता चुका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहा है जो जिसने जो बिल्डिंग को लीज लिया था, जो रूम को लीज लिया था,
जिसने जो रूम को जो अपना मर्जी से डिजाइन इस तरह से वो डिजाइन किया था, वो देवन से वो रिस्क लिया है, गलती उसने किया है, तो बिल्डिंग ओनर की तरफ से कुछ गलत नहीं किया है, देवन से किया। अभी भी वो स्टेन है, वो अभी भी स्टेन है, उसने गलती किया है। तो वेयर इज वो जो एक्यूज जो कुर एक्सिप कर रहा है, बिल्डिंग ओनर को बार बार इसी तरह से सील करवाना, इसी तरह से बार बार मीडिया में आके ब्लेम करना, ये हम बोल रहे हैं ये बहुत गलत बात है। इसी तरह का काम करना नहीं चाहिए, सबको दुख है, किसी का जान गवाया है। बहुत प्यारा से जैसा लेटर में कहा गया था, जो रिपोर्ट किया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर तालुक उधम को, वहाँ पर ऐसा रिपोर्ट किया था कि आपका जो बिल्डिंग है उसका जो कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, वो लोग को उसको इंस्पेक्ट करेगा बोला, एग्जामिन करेगा बोला। हाँ, एग्जामिन किया है, लेकिन वो सील करना जो हमको शोभा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा है, तो वेयर इज वो गलत करने वाला कुर एक्सेप्ट कर रहा है। हम लोग का फर्दर स्टेप वही होगा, अभी हम लोग को ऐसा लग रहा है, हम लोग जो पंगिया वेलफेयर सोसाइटी, जो हम लोग पंगिया है, पंगिया वेलफेयर सोसाइटी जो ये उन लोग का वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट को हम लोग जाके हम लोग अपील करेंगे, हम लोग बोलेंगे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो गलत किया है वो ले रहा है, वो तीन दिन अभी यहाँ पे है, वो भागा नहीं है, तो आप लोग उनसे बात करने के लिए हम लोग बोलेगा, हम लोग अपील करेगा उन लोगों को, हम लोग को आप लोग ज़्यादा ऐसा नहीं करने से अच्छा है, हम रिक्वेस्ट करेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब आप लोग बीच में मीडिएटर का काम करके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी मीडिएटर का रूप में काम कर रहा है। Yesterday only on 8th of August, government has constituted an expert committee to verify and ascertain the collapse of the walls of KFC building. Committee consists of town planner Itanagar as chairman, myself, superintendent of police as member, and architect of PWD member, surveyor of the PWD member. They will examine the strain of the building and we will give the report within a 1 week. And this sealing process will be is an administrative process to ascertain the security of the law and orders. And after report of the committee, the government will decide. Sir, so far how many shops are you sealing at this moment? No, sealing is done by the EAC Itanagar. That is not our part. We will give our report based on the established laws. We have Arunachal Pradesh building by laws. The provisions are there. Sir, aapki report mein aapne kya submit kiya hai sir? Report we are going to submit. That cannot be disclosed at this stage. Sir, to aap log sirf upar ke jo collapse wala building ko study karenge ya fir aap whole building ko karenge? Because jo stability, this is a इसमें जो है चार माला का बिल्डिंग है ये, जो तो आप लोग कौन से तक स्टडी करेंगे? नहीं, वी विल गो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कंप्लेंट, दैट्स ऑल। सर, वो शॉपकीपर्स लोगों को काफी तकलीफ हो रहा था, कब तक खुला होगा वो लोग का डेली बिजनेस? सी, द सीलिंग प्रोसेस शुड बी कोऑपरेटेड बाय द ऑल शॉपकीपर्स बिकॉज़ प्रॉब्लम हैज टू बी रिजॉल्व, इज इट नॉट? One or two days, including owners, should cooperate all this process, including our expert committees, questions and all.